जब इसे घर पे लेकर आया था तो ये सब सुनने को मिला था। ये किसे लेकर आ गया? अभी के अभी घर के बाहर निकाल। इसकी बॉडी टॉयलेट कौन साफ करेगा? और आज देख लो। इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। सो गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो अभी देख सकते हो जोजो और डोली दोनों आपस में कुश्ती कर रहे हैं यहाँ पे, और जोजो अभी पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है क्योंकि थोड़ा सा इसका तबीयत डाउन था पहले। बस 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 एक ही बार पटकना डोली, एक ही बार बस एक ही बार पटकना। इस बार देखते हैं कौन पटकाता है। चलो करिए ही है तो नहीं चढ़ाई दे इसे।
मेरा जोजो अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि उसका क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको लेके गए थे, उसको लेके हम गए थे हॉस्पिटल, और वहाँ पे उसको इंजेक्शन वगैरह लगा, फिर उसको लेके जा रहे थे नौगढ़, क्योंकि उसका जो बॉडी था उसका फ्रैक्चर हो गया था, पैर मतलब एकदम ये जो जांग है जांग से फ्रैक्चर हुआ था। तो जब उसको वहाँ पे लेके गए और लिटाए और डॉक्टर साहब से बोले, डॉक्टर साहब इसको देखो मतलब सही करो इसको, फिर कैसे होगा, तो वो बोले बेटा इसको लेके जाओ नौगढ़, वहाँ इसको ऑपरेशन होगा और रॉड वॉड पड़ेगा। बोले ठीक है, फिर हम यहाँ से लेके जाने वाले थे उसको नौगढ़ सिद्धार्थ नगर में, तो जैसे ही लेके जाने वाले थे फिर वो मतलब यहीं पे एक्सपायर कर गया। तो हम उसको लेके आ गए घर पे, और घर पे लेके आए तो अभी अंशु देख सकते हो यार, उसको बच्चे की तरह हम लोग पाले, इतना छोटा सा था, तुम हम लोग लेके आए थे उसको, बहुत छोटा था। अभी वो एक साल का भी नहीं हुआ था, आठ महीना का हुआ था वो, और फिर इतने दिनों में वो चला गया हम लोग को छोड़ के। कहने के लिए तो वो डॉग था, लेकिन हम लोग बच्चे की तरह उसको पाले थे। जो लोग वीडियो देखते हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन वो बच नहीं पाया। तो फिर क्या करते, फिर लेके गए उसको रख के हम, और अभी वहां से आने के बाद में फिर ये वीडियो बना रहे। जो लोग डॉग लवर हैं, पेट रखते हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यार उनको ज्यादा से ज्यादा प्यार करो, और उनको मारो और मत, कभी भी मत मारो उनको, अगर कुछ गलती भी करते हैं तो उसको प्यार से समझाओ। मेरा जो हमसे मतलब मेरा बात भी मानता था, हमसे डरता था, दोनों था, लेकिन डॉग को ऐसा रखो कि वो कभी डरे ही ना आपसे। हम गए थे डस्ट फेंकने उस पार, वो भी मेरे साथ में, हमने उसको रोका कि मत आओ इधर, इधर मत आओ, इधर मत आओ, लेकिन वो नहीं माना। फिर हमने उसको रोका फोर्स करके कि इधर आओगे तो फिर मारेंगे तुम्हें, इधर सड़क के उस पार मत आओ, क्योंकि मैं उस पार गया था डस्ट फेंकने के लिए। तो वो फिर भी नहीं माना, वो जब मैं घर के बाहर निकलता था ना, कहीं भी जाता था तो अगर वो पता नहीं होता था तो हमको वो ढूंढने निकल जाता था आसपास। हम कहीं बैठते थे, वो दो चार दुकानें हैं वहाँ पे हम बैठते थे, तो जब वो जानता था तो वहाँ पे हमको जाके ढूंढता था, और मुझे ढूंढ के वो लेके आता था घर पे। और आज ही वो पता नहीं था, फिर चला गया मेरे साथ में वो। फिर हम बोले अच्छा ठीक है आ जाओ, फिर हम देखे वो उस पार, हम इस पार आ गए, उसको हम पास में गए तो वो आ ही नहीं रहा था, वो भाग रहा था ऐसे। वो सोचा कि हम भाग के इनसे पहले हम पहुंच जाए घर पे, लेकिन जब वो भागने चला फिर उधर से ऑटो आ रहा था, और ऑटो वाले ने उसको दबोच दिया, फिर उसका बुरा हाल हो गया। क्या करते, बहुत कोशिश की अपने तरफ से कि गॉड इसको बचा लो एक बार, दुर्भाग्य से वो नहीं बच पाए। और हम लोग कितना ज्यादा देखो डिप्रेशन में, अंशु रो रही है तभी से, और जो ढोली थी वो सो रही है खाली, ये देखो ढोली सो रही है, देखो कितना ज्यादा ये साइड में, देखो ये सो रही है। ढोली क्या हो गया? नहीं नहीं, ये उसके साथ में बहुत ज्यादा, दोनों लोग खेलते थे आपस में, देखो। तो देखा आपने, और एक बात मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जितने भी ये लोग ये वीडियो देख रहे हैं,
डॉग या फिर जो घर पे रखा हुआ है या फिर जो रोड पे टहलते हैं इधर उधर जो घूमते हैं उनको भी मत मारो यार। हो सके तो खाना दे दिया करो, लेकिन मारो मत किसी को, क्योंकि उनको भी जीने का अधिकार है, उनके अंदर भी जान होता है। बहुत दर्द होता है यार सच में, तो मत मारो किसी भी डॉग को, मत मारो, प्यार करो उन लोगों से और जितना हो सके उतना प्यार करो। डिप्रेस्ड तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा, आज नवरात्रि का दिन था, पहला दिन था, तो अभी नहा धो के थोड़ा सा ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ सिखा के गया जो हम लोग को, हमको और अंशु को भी, कि आपस में झगड़ा मत करो। वो एक जानवर कह सकते थे, लेकिन बहुत कुछ इंसानों वाली फीलिंग वो दे के गया हम लोग को कि इंसान को किस तरह से रहना चाहिए। अगर हम अंशु को मारते थे तो वो मुझे काटने को दौड़ता था, अंशु अगर मारती थी मुझे तो वो अंशु को काटने दौड़ता था। और उसका ये कहना था कि झगड़ा मत करो, दोनों लोग ठीक से रहो। और बहुत ज़्यादा अगर हम लोग रहते थे, कहीं भी अगर जाते थे थोड़ा, तो वो भी साथ ही में जाता था हम लोग, तो यही था। और भगवान उसके आत्मा को शांति दें, जो को, बस यही कहना चाहेंगे।